वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। आप लोग देख रहे हैं गेमिंग विद एसडी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं आई एम फिश गेम, और आज हम खेलेंगे पार्ट 8, जो कि है हमारा तीसरी मछली का लेवल 2। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो येलो एंड रेड फिश था उन लोगों को एक कर दिया है। अब हमें इस मछली को उन लोगों के पास ले जाना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात, अगर आप लोगों को मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट का मुझे बहुत ही ज़रूरत है। तो चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। इस साइड पर कुछ पत्थर है और सामने तो मुझे कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा, और इधर के साइड पर कुछ तो दिख रहा है वहाँ पर, तो शायद से हमें यहाँ से ही जाना होगा। चलिए देखते हैं। अरे 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 अरे, अभी मर जाते। तो यहाँ से तो हम नहीं जा सकते, किसी दूसरी रास्ता हमें ढूंढना होगा। इस साइड पर कुछ पत्थर है तो यहाँ से देखते हैं। अच्छा, तो नीचे के साइड कुछ लकड़ी है वहाँ पर, तो शायद हमें वहीं से ही जाना होगा। लेकिन उसके लिए हमें इस लकड़ी को हटाना होगा। एक को हटा दिया और ये दूसरी भी हटा दिया। एक और को हटा दिया। तो गाइस, हमें रास्ता मिल चुका है एंड हम इस टनल की मदद से जा रहे हैं। टनल या पाइप, जो भी कह लो आप। तो फाइनली हम बाहर आ चुके हैं एंड सामने है हमारा चेक पॉइंट। तो सामने को पार करने के लिए हमें इस पर ऐसे झूल के जाना होगा। और सामने मुझे एक ब्रेड दिखा और ये हम ब्रेड को कलेक्ट कर लिया है। फुल मोगली वाला फील आता है मुझे जब भी मैं इस पर झूलता हूँ। फिर से, और ये हम चले। दोबारा से हमें मोगली बनना होगा। अच्छा, तो यहाँ पर साइड पर तो रास्ता है लेकिन सामने मुझे कुछ नहीं दिख रहा, तो शायद हमें फिर से झूल कर ही जाना होगा। तो दोबारा से मोगली बनने का टाइम आ गया है। अरे, इस बारी वहाँ तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल लगता है। और ये पकड़ लिया। लेकिन हम इसे पार नहीं कर सकते। अरे अरे अरे, नीचे देखो,
यहाँ से कुछ लकड़ी हम हटा सकते हैं शायद। तो ये इस पेड़ की छाले हैं जिसे हमें हटाकर यहाँ से रास्ता बनाना होगा। और ये हम अंदर आ गए, दोबारा से हमें इसे हटाना होगा। तो फाइनली गाइज हमें हमारा नेक्स्ट चेक पॉइंट मिल चुका है और सामने एक बर्ड बैठा हुआ है, तो शायद से हमें उसे बाइट करना है फिर से। तो चलिए फिर से बाइट करते हैं। और ये हमने बाइट कर लिया और इसके साथ ही आ गए किसी दूसरी जगह पर। शायद हम गलत आ गए, हमें सामने जाना होगा। सामने एक और बर्ड बैठा हुआ है। तो हम फिर से मोगली बनकर अरे 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 उसके ऊपर से आ गए। मुझे लगा कि फिर से बाइट करना होगा, लेकिन इस बार ही नीचे रास्ता था। सामने एक और बर्ड है वहाँ पर, लेकिन इस बार सामने चेक पॉइंट दिख रहा है मुझे। इस बार शायद हमें इसे बाइट करना होगा क्योंकि सामने का रास्ता बंद है। अरे मिस कर दिया। थोड़ा मुश्किल लगता है। और ये जंप किया। अरे इस बार ठीक से करूंगा। और ये अरे अरे अरे, तो फाइनली हमने बाइट कर लिया है एंड दोबारा से किसी दूसरी जगह पर आ गए। सामने का रास्ता बंद है और यहाँ भी सेम टाइप का काम हमें करना होगा, इस बर्ड को हटाना होगा। तो ये हम इसके अंदर आ गए। एंड यहाँ से हमें बाहर निकलना होगा। चलिए दोबारा से इसे भी हटाते हैं एंड बाहर निकलते हैं इस जगह से। तो गाइस हमें हमारा एक और चेक पॉइंट मिल चुका है एंड सामने शायद रास्ता नहीं है, तो एक बार और शायद हमें इस बर्ड को बाइट करना होगा।
दोबारा से हमने बाइट कर लिया है एंड ये हम किसी दूसरी जगह आ गए फिर से। यहाँ पर भी रास्ता बंद है, शायद यहाँ पर फिर से हमें मोगली बनना पड़ेगा क्योंकि और कुछ तो मुझे दिख नहीं रहा, तो यहाँ पर लटक कर ही जाना होगा। थोड़ा मुश्किल है यहाँ पर, अरे यार हो जाना, साइड पर भी कोई रास्ता नहीं है। एक बार और ट्राई करता हूँ, और ये हमें मिल चुका है एंड ये हमने पार कर लिया है गाइस। बहुत कोशिशों के बाद हमने पार किया है। तो यहाँ पर साइड से रास्ता है, यहाँ पर कुछ पाइप लगा है और इसे हमें निकालना होगा क्योंकि शायद रास्ता यहाँ से ही है। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर। अरे बाप रे, ये हम कहाँ आ गए? कितनी गंदगी है यहाँ पर, और मुझे चेक पॉइंट तो दिख चुका है और शायद बाहर जाने का रास्ता वो देखिए ऊपर है। तो हमें बाहर जाने के लिए बेसिकली इस जगह को पानी से भरना होगा। अरे अरे अरे, कब फंस गया था। और यहाँ पर कुछ कपड़ों के टुकड़े हैं, वो देखिए एक और टुकड़ा है यहाँ पर, और वो दो जगह दिख रहा है वहाँ से पानी बाहर निकलता है। तो शायद हम इस कपड़ों के टुकड़े से इसे ब्लॉक कर सकते हैं। एक बारी और ट्राई करते हैं, और टुकड़ा मुझे दिखा है तो उसको भी ले जाकर ब्लॉक कर देते हैं। चलिए, तो ये हमने ब्लॉक कर दिया एंड कुछ तो आवाज आई। तो हाँ गाइस, पानी बढ़ रहा है यहाँ पर। तो चलिए दूसरी जो पाइप है उसे भी ब्लॉक करते हैं। ये हमने कपड़ा लिया एंड ये ब्लॉक किया। एक और को ढूंढना होगा हमें।
यहीं पर तो था, और ये रहा। तो चलिए इसे ले जाते हैं एंड हमारा जो दूसरी पाइप है उसे ब्लॉक करते हैं। तो हो गया, और ये देखिए पानी और ज़्यादा बढ़ रहा है। एंड ये रहा हमारा नेक्स्ट चेक पॉइंट। एंड सामने ये जो व्हील है इसे हमें रोटेट करना होगा एंड इससे शायद पानी का लेवल बढ़ जाएगा। तो चलिए करते हैं। तो इसे राइट साइड के दिशा पर रोटेट करना होगा। तो ये देखिए पानी का लेवल बढ़ रहा है और भी। लेकिन हमें और ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, शायद से इस साइड भी। हाँ ये देखिए यहाँ पर एक और व्हील मुझे मिल चुका है, तो चलिए इसे भी रोटेट करते हैं। व्हील घुमाते घुमाते मेरा दांत ही टूट जाएगा। क्योंकि ये जो व्हील है ये लोहे का बना है और मेरा दांत वैसे भी कमज़ोर ही है क्योंकि मैं एक मछली हूँ। अरे यार ये थोड़ा मुश्किल लगता है मुझे। मैं घुमाने जा रहा हूँ राइट साइड पर और ये घूम जा रहा है लेफ्ट साइड में। अजीब है। और ये हुआ हुआ हुआ। तो गाइस फाइनली हमने इसे रोटेट कर दिया है और पानी और भी बढ़ रहा है। इस साइड पर भी शायद कुछ है। अच्छा तो यहाँ पर भी एक व्हील है, तो चलिए इसे भी रोटेट करते हैं। और इसको हमने आसानी के साथ कर दिया। शायद हमने सभी को घुमा दिया है। अरे अरे लेकिन अभी भी पानी थोड़ा कम है क्योंकि हम अगर जंप करके चले भी गए तो पानी तो वहाँ पर नहीं है, तो हम मर भी सकते हैं। सभी को तो घुमा दिया हमने। ये देखो इसके अंदर पानी नहीं है, तो मैं वही कह रहा था कि अगर हम उसके अंदर जंप करके चले भी गए तो हम नहीं बच पाएंगे। अरे 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 कुछ तो अटक गया है यहाँ पर, शायद कुछ कप वगैरह अटक गया था तो हम मर गए थे। तो दोबारा से हम रिस्पॉन होके आ गए। तो दोबारा से हमें इसे रोटेट करना होगा और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है।
तो हो गया गाइस। चलिए दूसरी व्हील्स को भी रोटेट करते हैं। ये रहा, तो आधा हुआ है और ये हमने रोटेट कर दिया। तो यहाँ पर भी एक है, अच्छा तो पिछली बार शायद मैं इस साइड पर नहीं आया था, इसलिए पानी का लेवल उतना नहीं गया और ये हमने आसानी से के साथ इसे रोटेट कर दिया है। मुझे लगता है कि मैं एक्सपर्ट बन गया हूँ, अभी मैं आसानी के साथ इसे रोटेट कर सकता हूँ। तो वहाँ पर मुझे एक ब्रेड दिखा है, लेकिन वहाँ पर मैं पहुँच नहीं पाऊँगा, तो शायद एक और व्हील बाकी है उससे रोटेट करने के बाद मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। तो चलिए चलते हैं। ये रहा, अरे घुमा घुमा घुमा, अरे अरे अरे, अभी तो कह रहा था कि एक्सपर्ट बन गया था। और ये तो गाइस जैसे जैसे हमने रोटेट कर दिया और ये पानी और भी ज़्यादा बढ़ने लगा है, शायद से हम अभी उस ब्रेड को कलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हाँ ये रहा, इस साइड पर भी रास्ता है। लेकिन ये जगह बहुत ही अजीब सा है, लगता नहीं कि यहाँ पर कोई ह्यूमन आता होगा। कितना मोटा मोटा पाइप है यहाँ पर। तो हमने शायद से सभी व्हील को घुमा दिया है। इस साइड से जा सकते हैं क्या? नहीं नहीं क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं है तो हम नहीं जा सकते। अरे ये देखिए,
बाहर जाने का रास्ता ब्लॉक हो चुका है। कोई तो जुगाड़ हमें करना होगा। क्या इससे कुछ होगा कि हमें इसे बाइट करना होगा या कुछ और? ये देखिए, हमें यहाँ से ही जाना था लेकिन अभी ये ब्लॉक हो चुका है। अगर मैं इसे दोबारा से रोटेट कर दूं एंड इसे बंद कर दूं तो क्या हम जा सकते हैं वहां पर? क्योंकि वो जो नेट है वो आप देखिए, वो ज़्यादा ऊंचा चला गया है। तो अगर मैं पानी के लेवल को थोड़ा कम कर दूं तो वो शायद से नीचे आ सकता है। तो चलिए एक बार ट्राई करते हैं। और इसे लेफ्ट साइड घुमा रहा हूँ इस बारी, एंड इसे भी बंद कर दिया। अभी भी कुछ नहीं हुआ। तो चलिए इसे भी बंद कर देते हैं। ये तो घूम ही नहीं रहा। अरे भाई घूम जा। और ये घुमा घुमा, तो गाइस हमने इसे भी बंद कर दिया है लेकिन लगता नहीं कि इससे कुछ होगा। वेट, थोड़ा तो कुछ कम हुआ है। अरे अरे, कुछ ज़्यादा ही कम हो गया। तो चलिए इसे ऑन कर देते हैं। तो दोबारा से हमें इसे घुमाना होगा। एंड ये हमने घुमा दिया। इस बार देखते हैं। तो गाइस इस बार हो गया। आप देख सकते हैं अंदर तक पानी चला गया है, तो हमें यहाँ से ही बाहर निकलना होगा। और ये हम इसके अंदर आ गए। और ये हमें बहुत दूर ले आया है। तो फाइनली गाइस हमने वहाँ से निकल आए हैं। और सामने ये देखो, एक बहुत ही बड़ा रोड है जहाँ पर कुछ गड्ढे हैं और हमें इससे जंप करके जाना होगा। ये देखिए, और वो रहा हमारा नेक्स्ट चेक पॉइंट।
और ये बहुत ही डेंजरस जगह है। तो यहाँ से रास्ता है शायद, एंड ये हमें हमारा चेक पॉइंट मिल चुका है, लेकिन बहुत ही ध्यान से जाना होगा हमें, क्योंकि अगर कोई भी गाड़ी के नीचे हम आ गए ना तो वहीं पर ख़त्म। अरे 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 गाइस, हम मर गए यहाँ पर। इस बार ही ध्यान से जाऊंगा। और ये हम आ गए यहाँ पर। अरे अरे अरे, ठीक से जंप करना होगा हमें तभी वहाँ तक पहुँच पाऊँगा। और जैसे तैसे आ गए हम। अरे और ये पहुँच गए। तो सामने एक और गड्ढा दिख रहा है और वो देखिए एक और चेक पॉइंट है वहाँ पर। तो इस पाइप से चलते हैं। एक और चेक पॉइंट हमें मिल चुका है। अच्छा, तो इस साइड एक और रास्ता है यहाँ पर। तो दोबारा से हमें इस लकड़ियों को हटाना होगा एंड इस पाइप के अंदर से जाना होगा। तो चलिए हटाते हैं। मुझे पता नहीं कि मैं गलत जा रहा हूँ या सही जा रहा हूँ, लेकिन लगता है सही आ गया, क्योंकि वहाँ पर और भी पाइप थे, लेकिन इस बार ही थोड़ा दूर है गड्ढा, शायद नहीं पहुँच पाएंगे। और आगे आगे आगे। अच्छा, तो गाइस हमें चेक पॉइंट मिल चुका था, हम जैसे तैसे आ गए वहाँ पर, तो ये अच्छी बात है। सामने मुझे एक और गड्ढा दिख रहा है और यहाँ पर पाइप भी है, लेकिन मैं जंप करके ही जाऊँगा। अरे 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 अरे, तो दोबारा से हम रिस्पॉन होकर आ गए। इस बार ही लंबा जंप लगाना होगा। अरे बच गए। अरे 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 अरे, और ये आ गए। सच बताऊं तो उस गाड़ी के वजह से ही मैं पहुंच पाया इस गड्ढे तक। अरे पिछली बार तो हेल्प किया और इस बार देखो।
और ये हम आ गए। सामने एक और गड्ढा है। अरे अरे बाप रे, अच्छा तो यहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया मेरे वजह से। और ये तो वही आदमी है जिसके बकेट से हम भागे थे। और इसी के साथ ये वाला लेवल भी कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा एंड फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।